अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई तैयारियों में जुटा है। काशी में इस दिन के लिए विशेष आयोजन की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में मंदिरों में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। काशी में स्थित देवगुरु बृहस्पति भगवान के मंदिर में भी भव्य श्रृंगार किया जाएगा। विधि विधान से पूजन अर्चन होगा। मंदिर के महंत अजय गिरी चांदी की थाली में पान की गिलोरी लेकर प्रभु श्री राम के दर्शन को जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान महंत अजय गिरी ने बताया कि आगामी 22 जनवरी को प्रभु का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। मंदिर को तमाम तरह के फूलों, लाइटों, गुब्बारों से सजाया जाएगा। साथ ही प्रभु को विभिन्न तरह का भोग लगेगा और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भी प्रभु के दरबार से बुलावा आएगा, देवगुरु के प्रांगण से चांदी की थाली में पान की गिलोरी लेकर जाएंगे और प्रभु को समर्पित कर पुण्य के भागी बनेंगे। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के दिन मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने भक्तों से अपील किया कि मकर संक्रांति के दिन बाबा का दर्शन पूजन कर प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य के भागी बनें। आगामी 15 जनवरी को देवगुरु बृहस्पति में मंदिर में जो है काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है भंडारे का आयोजन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें जो है बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आकर के बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके तत्पश्चात जो है 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला स्थापित होंगे। उस दिन देवगुरु बृहस्पति प्रांगण को तमाम तरह के फूलों से, रंग बिरंगे कपड़ों से, बैलून से जो है मंदिर प्रांगण को सजाया जाएगा। हर्षोल्लास के साथ भजन संध्या का कार्यक्रम रखा जाएगा। भगवान को अनेक प्रकार के भोग लगाया जाएगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा और जब भी प्रभु के दरबार में या उनका बुलावा होगा, जब भी हमको जाना होगा, तो देवगुरु बृहस्पति के प्रांगण से चांदी के थाली में बाबा के लिए पान का गिलोरी लेकर के उनके समर्पित हम उनके दर्शन कर पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो गुरु जी, भंडारा जो है इसमें क्या टाइम होगा आपका जो भंडारा? हमारा भंडारा सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि कालीन तक चलता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा का प्रसाद जो लोग भी आकर के ग्रहण कर पुण्य के भागीदार बने।